ठीक है, एक तथ्य है कि समाज में तमाम तरह की हिंसा है, है तथ्य है, इसको तुम गुब्बारे की तरह फुला नहीं सकते ना। और जब आदमी तथ्य को देखे तो तथ्यों को उनकी पूर्णता में देखना पड़ेगा। ये सच है कि आदमी के मन में विकृतियां बढ़ रही हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि समाज कभी बड़ा साफ सुथरा रहा हो। आज तुमको अगर चारों तरफ सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि ऐसी घटना और वैसी घटना, तो ऐसा भी नहीं है कि ये घटनाएं पहले नहीं घटती थी। सच तो ये है कि आज की औरत के हाथ में थोड़ी ज़्यादा सामर्थ्य है, तो इसीलिए वो चिल्ला करके बता देती है कि मेरे साथ इस तरह दुराचार हुआ, पहले तो और जम के होता था, बता पाने की आवाज़ भी नहीं थी उसके पास, पुलिस में जा करके एक FIR भी नहीं लिखा सकती थी। ये हुआ एक तथ्य कि जब कहा जाता है कि घटनाएं बढ़ रही हैं, तो घटनाएं बढ़ी तो हैं, पर ऐसी कोई बाढ़ नहीं आ गई है, क्योंकि ये धारा हमेशा से बह रही है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब तुम कहते हो कि घटनाएं बढ़ी हैं, तो तुम बात ये करते हो कि सड़क पर और गली में और मोहल्ले में ये सब घटनाएं हो रही हैं। तुम इस तथ्य को बिल्कुल ही भूल जाते हो कि ऐसी घटनाएं सबसे ज़्यादा तो घरों के अंदर होती हैं। एक बहुत बड़ा अनुपात है उन लड़कियों का, महिलाओं का, जो घर के भीतर ही तमाम तरह के शोषण और हिंसा का शिकार होती हैं। संबंधी, पिता, भाई, पति, उनकी क्या गिनती है? तो अगर कोई तुमसे कहे कि घर के बाहर मत निकलो तो खतरा है, तो उनसे पूछो कि घर के भीतर, घर के भीतर क्या सुरक्षा है? और घर के भीतर सबसे ज्यादा असुरक्षित जानते हो कौन सी लड़कियां होती हैं, जो जीवन भर घर के भीतर ही रह गईं। जिस लड़की के कदम खुले आकाश में नहीं निकले, जिसने दुनिया नहीं नापी, जिसने अपने हाथ मजबूत नहीं किए, जो शिक्षित नहीं है, जो कमाती नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसका मन खुला हुआ नहीं है, सबसे ज़्यादा संभावना उसी लड़की के शोषण की है। तो अगर शोषण से बचना चाहती हो, तो तब तो और भी ज़रूरी है कि तुम घर से बाहर निकलो, क्योंकि घर के बाहर खतरा है, निसंदेह खतरा है, पर घर के भीतर मैं तुमसे कह रहा हूँ और बड़ा खतरा है। क्योंकि जो जगा हुआ नहीं है, जो बलहीन है, वो तो कभी भी शिकार हो जाएगा ना। तुम बात बात पर यदि निर्भर रही, हाथ फैलाती रही, पैसे दे दो, कपड़े दे दो, खाना दे दो, घर दे दो, सुरक्षा दे दो, तो तुम्हें क्या लगता है जो कोई तुम्हें ये सब कुछ देगा तुमसे इनकी कीमत नहीं वसूलेगा या मुफ्त में ही मिल जाएगा? मुफ्त में नहीं मिलेगा, कीमत दोगी। फैमिली को ही बताओ ये सब, कि आप एक तथ्य तो देखते हो जो टीवी में और अखबारों में आ जाता है, पर दूसरे तथ्यों की ओर भी तो देखो ना। मुझे तो पूरा जीवन जीना है, मुझे तो पूरा जीवन जीना है। सुरक्षा तुम्हें सबसे ज्यादा पिंजड़ों में मिलती है, पर फिर पिंजड़ों में तुम उड़ भी नहीं सकते, भूलना नहीं इस बात को। पिंजड़े खूब सुरक्षा देते हैं तुमको,
और वो तुम्हारे पर भी कतर देते हैं। पिंजड़ों में खाना भी मिल जाता है, पिंजड़ों की चिड़िया को सुबह शाम खाना दे दिया जाता है। तो सुरक्षित रहना चाहती हो खूब, तो किसी पिंजड़े में जाके बैठ जाओ। चाहती हो ऐसा जीवन? बाहर खतरा तो है, चिड़िया बाहर उड़ेगी तो बाहर चील है और बाज है, चिड़िया का शिकार हो सकता है, पर तुम चुन लो तुम्हें शिकार होने की डर की वजह से क्या पिंजड़ा ज्यादा पसंद है, बोलो जल्दी।